हेलो दोस्तों तो आप सभी कैसे हैं आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रिया फूड पॉइंट के एक और नए वीडियो में तो दोस्तों ये ड्रिंक उनके लिए होने वाली है जिनको कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद है तो आप लोग ये ड्रिंक बनाकर पिए आप बाहर की कोल्ड ड्रिंक भूल जाएंगे बाहर से कोल्ड ड्रिंक लाना भी बंद कर देंगे और सिर्फ पांच रुपये का खर्चा है पांच रुपए की चीज लेके आप इस ड्रिंक को बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत ही फटाफट बनकर तैयार होती है और टेस्ट का तो क्या ही कहना तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बनाना कैसे है और इसमें एक एक सीक्रेट चीज है जो मिलाएंगे तो वो आपको जरूर बताएंगे वीडियो में तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहे ताकि आप अच्छे से ये ड्रिंक बनाकर तैयार कर सके तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पल्स कैंडी ले लिया है और यहाँ पर दो से तीन पल्स कैंडी में आप एक ग्लास ड्रिंक बनाकर तैयार कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर पल्स कैंडी ले लिया है इनको काट लेते हैं और इनसे कैंडी निकाल लेते हैं तो आप भी इसी प्रकार से काट के इनसे कैंडी निकाल लें बहुत ही टेस्टी ड्रिंक बनने वाली है दोस्तों आप लोग वीडियो में को एंड तक जरूर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में आपको पता होगा कि इनके बीच में एक पार्ट होता है एक मसाला निकलता है वो इतना टेस्टी होता है इसीलिए ये पल्स गंडी जो है ना मेरी फेवरेट है और किस किस की फेवरेट है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है तो इनको मैंने ओखली में डाल लिया और उसमें इसको हम पीस लेंगे आप चाहें तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं इसको पीस कर बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे पसंद तैयार हो होता है, बहुत अच्छा है। सबको बहुत पसंद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप भी इसी प्रकार से इसको अच्छे से कूट लें और एक पाउडर बनाकर तैयार कर लें गर्मियों में सबको ठंडा ठंडा कुछ ना कुछ पीने का मन करता है तो आप ये मोजिटो बनाकर तैयार कर सकते हैं पल्स कैंडी से बहुत ही टेस्टी लगता है और एक नए तरह का टेस्ट इसमें मिलेगा आपको पल्स कैंडी वाला सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको पीस लिया है थोड़े से जो एक्स्ट्रा पार्ट बड़े बड़े पार्ट रह गए हैं एक बार फिर से इसको हम पीस लेंगे अक्सर हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और 200-300 रुपए खर्च करके मोजिटो लेते हैं पीते हैं और वही टेस्ट इसमें मिलता है तो क्यों ना हम घर पर ही मोजिटो बनाकर तैयार करें तो आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है आपको मार्केट से लेकर पीने की जरूरत नहीं है घर पर ही इतना टेस्टी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं और पी सकते हैं तो आप घर पर जरूर बनाए बहुत ही टेस्टी लगता है इसका टेस्ट जो है उसकी क्या ही कहना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है तो इसको मैंने बारीक पीस लिया है चलिए अब है चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पर मैंने एक ग्लास ले लिया है और उसमें इस मिक्सचर को दो चम्मच पाउडर को इसमें डाल देंगे इसके साथ ही इसमें डालेंगे नींबू तो यहाँ पर मैंने आधा नींबू ले लिया है और आधे नींबू का रस यहाँ पर डाल देंगे ज़्यादा नहीं डालना है सिर्फ आधे नींबू का रस ही डालेंगे इसमें इससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने आधे नींबू का रस डाल दिया है इसमें नमक डालने की जरूरत है नहीं बिकॉज इसमें मसाला जो होता है उसमें नमक होता है तो आपको कुछ भी और ऐड नहीं करना है सिर्फ यहाँ पर हम डालेंगे आइस क्यूब्स आइस क्यूब के साथ ही एक मैंने बताया कि सीक्रेट वाटर डालेंगे तो वो है सोडा तो यहाँ पर मैंने सोडा डाल दिया इसका टेस्ट एकदम कोल्डन जैसा होता है बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप लोग ये पल्स कैंडी मौजूदो जरूर बनाएं तो मैंने यहाँ पर आइस क्यूब डाले इसके साथ ही सोडा डाला आप चाहें तो यहाँ पर पानी भी डाल सकते हैं तो सोडा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि जो पाउडर डाला था मैंने वो चिपक गया है ग्लास में तो इसके लिए उसको सबसे पहले अच्छे से मिला देंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाए और उसका टेस्ट इसमें आ जाए तो इसको अच्छे से मिला लें आप भी इसी प्रकार से अच्छे से इसको मिला लें क्योंकि तो जो मिक्सचर बनता है वो थोड़ा मीठा होता है उसकी वजह से ये चिपक गया हल्का सा गीला रहता है तो आप लोग इसे अच्छे से दो तीन बार अच्छे से चलाते हुए मिला लें ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है तो यहाँ पर हमारा जो पल्स कैंडी मॉजिटो है वो बनकर तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और पीने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है आप सभी लोग अपने घरों में ये पल्स कैंडी मोजिटो ज़रूर बनाएँ और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मोजिटो कैसा लगा तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें